हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर और वो भी अनअपोज्ड। ये शख्स आए 35 साल के, अनअपोज्ड का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। लेकिन सही भाई, ये बताएं कि ये जो भी जय शाह साहब की जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, सेहत खराब हो जाएगी पाकिस्तान में आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? और अगर इस बार तो मैं ये समझता हूं कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद इस मुझे तो इस क्रिकेट का भी, मुझे अब कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। अब क्या होगा, तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया था, मतलब बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा था भाई। तुम लोग रोज मुझे कहते थे कि जैसा ने बोला मैं ऐसा ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारे हाथ में निकलेगी और वहां जाके बैठा है जहां पर अनापोस पहुंचा हुआ। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से। अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे, अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। और फिर मैं इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे, ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। देखें, इस टाइम जय शाह को या बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया में है। मतलब फजूल नेगेटिव बातें करना छोड़ दिया करो, किसी टाइम अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार। ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग हैं, ये जो फजूल फुदर किस्म के लोग हैं, अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार। आपको बांग्लादेश घर में आकर पेल रहा है, क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज होने जा रही, लेकिन वेरी इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं ना डिलीवर करने वाला एग्जीक्यूटर जय शाह साहब जो है, ही हैज बीन इलेक्टेड एज आईसीसी चेयर अनअपोज्ड। बट अब आपको एग्रेशन नजर आएगी, मजीद पोलराइजेशन नजर आएगी, मजीद डोमिनेंस नजर आएगी, तगड़ी टीम्स तगड़ी हो जाएंगी, मिडवॉकर बोर्ड साइड पे हो जाएंगे। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर और वो भी अनअपोज्ड। जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज्ड का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। और फिर मैं इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे, ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। अब इनके हाथ से ही होगा कि बीसीसीआई के जेटली साहब लिखेंगे कि हम नहीं आ रहे और ये अप्रूव करेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। तो अप्रूवल आधी मिल गई है कि इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ये बहुत बेहतर साबित होंगे, हैंड्स ऑन है, फाइनेंशियल विजन बहुत है, बहुत अलग कमेटी चलाई है। आप ये देखें कि आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग की को देख लें, उन्होंने 4 गुना कर दिया, ठीक है ना। और फिर जिस तरह डिविजन हुई, रेवेन्यू हुआ, ऑब्वियसली इंडिया से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है तो उनको मैक्सिमम चंक भी मिलेगा। बट इनका मैं तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक देख रहा हूँ ना, तो इनका आना मुझे खतरात नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, आईसीसी का इवेंट है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड आए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे आईसीसी के। आईसीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, बीसीसीआई को नहीं करेंगे, अभी आईसीसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो केस तो उनके पास ही आएगा, तो इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन ये पर्सनल, एक दफा भी बोल रहा हूँ, पर्सनल व्यू मेरा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान खेलने के लिए आएगी। लेकिन सही भाई, ये बताएं कि ये जो अभी जय शाह साहब की जो हालात चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, सेहत खराब हो जाएगी पाकिस्तान में आगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? अली, आपस की बात यह कि इंडिया से हमेशा मैं ये समझता हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता, इतना बड़ा मुल्क है, हम छोटे मानते हैं इसलिए कि 90 करोड़ और जहाँ 22 करोड़ फर्क है ना, मुल्क तो बहुत बड़ा है, मगर हमेशा वो लोग घटिया इस स्पोर्ट्स में लेवल की सोच रखते हैं, मुझे नहीं पता। और अगर इस बार तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद इस मुझे तो इस क्रिकेट का भी, मुझे अब कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है। जो डरपोक लोग हैं, ये नेगेटिव, जितने डरपोक लोग होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं, पता नहीं उनको किस बात का पाकिस्तान के साथ इश्यू है कि पाकिस्तान को, अगर भाई मार्केट तो आपकी बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, मगर
जो फायदा पाकिस्तान को जो होना है फायदा वो तो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्टिंग से हो जाएगा, मगर ये छोटी छोटी सोचों से ये इंसान का पता चलता है, इंडिया कितना भी बड़ा हो जाए वो पाकिस्तान से छोटा ही रहेगा। जैसा चेयरमैन आईसीसी बन गए, गवारी है, अनअपोज बने, किसी ने उनका उनका मुकाबला किसी ने देखा नहीं उनको ना, विराट ने अब क्या होगा, तो जैसा आ गया तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, मतलब बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा होता भाई, तुम लोग रोज मुझे कहते थे कि जैसा 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 ने बोला मैं ऐसा ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज भी निकलेगी और वहां जाके बैठा है जहां पर अनापोस पहुंचा हो रहा, जैसा बन गया भाई आईसीसी के चेयरमैन, हो सकता है कुछ जगह पे आवाज लग रही हो ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया। तो फर्स्ट दिसंबर 2024 इस साल के आखिर में जेशा चार्ज संभालेंगे, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अभी से ही उनका काम शुरू हो जाएगा। जेशा का आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो पहला बड़ा इवेंट होगा जिसको वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगा। जेशा की ये जो अपॉइंटमेंट होगी एज आईसीसी चेयरमैन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा करैक्टर का, कि जेशा अपना कैसा करैक्टर शो करते हैं आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद, कि हम सब के सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जेशा ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। देखें इस टाइम जेशा को या बीसीसीआई को पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना, क्योंकि 2025 का जो एशिया कप है वो इंडिया में है, 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो फिर इंडिया और श्रीलंका में है, यानी उसके जो आखिर वाले बड़े मैच हैं या फाइनल है वो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होगा। और पाकिस्तान ठीक है अभी पाकिस्तान की फॉर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा T20 में इस चीज की अहलियत रखता है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल खेले। तो आई एम श्योर आगे इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम अगेन, लेकिन बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये जेशा का कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी को कंडक्ट कराते हैं, कैसे सबको लेके जाते हैं। एंड अगर तो जेशा ने कि वो ज्यादातर इंडिया के फेवर में काम करेंगे, वो ज्यादातर ऐसे काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी शुरू हो चुकी हुई है, और इसके चलते जेशा जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। जेशा आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर इंडिया में करवाई जाएगी। तो भाई पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जेशा के चेयरमैन बनने से, कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं और जेशा को गालियां भी दी जा रही है। मैं पढ़ रहा था, कुछ स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अब आईसीसी में भी चोरी होगी, अब आईसीसी में भी दुश्मन बैठेंगे, अब ये पाकिस्तान में ये बातें हो रही हैं। ये सबको पता है, टीम इंडिया की आज सक्सेस देख लो, टीम इंडिया तीनों फॉर्मेट में टॉप की टीम है, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को इंडिया भाई पांव के नीचे रगड़ देती है, आप अंदाजा लगा लो। तो जेशा को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना, बीसीसीआई को कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जाता है ना। अब आईसीसी के लिए जेशा जैसा बंदा चुनना, जेशा जैसे बंदे को रखना, आई थिंक इससे बेहतर ऑप्शन कभी आपको मिल ही नहीं था सकता। और आप मतलब पाकिस्तानी लोग आम जबान में बोलो तो ये कह रहे हैं कि जेशा आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे और उसके साथ ही पाकिस्तानी, और भाई एक मेरी बात सुन लो, घंटे गए आप बहुत दो नंबर लोग हो, आपको कोई बात भाई एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन इसी वजह से जरूरी है, मतलब फजूल नेगेटिव बातें करना छोड़ दिया करो। हाँ किसी टाइम अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार, ये जो पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग हैं, ये जो फजूल फुदर किस्म के लोग हैं, अपनी क्रिकेट का हाल देखो यार, आप अपनी क्रिकेट को देखो, आप अपनी क्रिकेट को देखो कि आपकी क्रिकेट कितनी तबाह हो चुकी हुई है, आपको बांग्लादेश घर में आकर पेल रहा है। हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, वीडियोस में पाकिस्तानियों का रिएक्शन तो देखा ही होगा। अब चलिए डिटेल्स में थोड़ी सी हाईलाइट कर लेते हैं इसको। बीसीसीआई सचिव जैसा अब आईसीसी के चेयरमैन होंगे, उन्हें निर्विरोध इस पद के लिए चुन लिया गया है और वे गर्ग वार्कले की जगह लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जैसा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नया चेयरमैन चुन लिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी खुशी की बात है हम सब भारतीयों के लिए। जैसा अब गर्ग वार्कले की जगह लेंगे, भारतीय आईसीसी बॉस बनने के बाद अब वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का दबदबा और बढ़ता रहेगा, लेकिन इससे पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई लोगों ने आईसीसी प्रमुख की भूमिका निभा चुके हैं।
इससे पहले कई भारतीय क्रिकेटर आईसीसी प्रेसिडेंट और चेयरमैन भी रह चुके हैं।